नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सोही। राहुल गांधी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। वजह है बीजेपी लगातार उनको घेर रही है, चाहे सड़क से संसद तक हम देख रहे हैं बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। राहुल गांधी ने विदेश में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो बयान दिया, देश के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। हालांकि आज संसद में राहुल गांधी बोलने वाले हैं, देखना होगा कि क्या वो माफी मांगेंगे। हालांकि जो तेवर राहुल गांधी के दिख रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के नजर आ रहे हैं, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि राहुल गांधी किसी भी माफी के मूड में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह से विवादों में घिरे हों या उनके बयान को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने देश का अपमान किया है या देश के नेताओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां की हैं। इससे पहले राहुल गांधी के कई ऐसे बयान हैं जिसका जिक्र हम आज करने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त विदेश दौरे से वापस लौटे हैं और आज सदन में बोलने का वक्त उन्होंने मांगा है। तो देखना होगा कि क्या राहुल गांधी माफी मांगते हैं अपने बयान को लेकर। बात कर लेते हैं 2015 में राहुल गांधी जब सुर्खियों में आए थे, सुषमा स्वराज जो कि तत्कालीन विदेश मंत्री थी उन पर उन्होंने टिप्पणी की थी और उस दौरान ललित मोदी विवाद को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था और सुषमा स्वराज को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो वहीं 2016 की अगर बात करते हैं तो जेएनयू विवाद खूब गरमाया हुआ था। उस दौरान जेएनयू में किस तरह के नारे लगे वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी उनके सपोर्ट में आ गए थे और बीजेपी ने कहा था कि राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उसको राहुल गांधी बल देते हैं। 2017 में भी कुछ ऐसा हुआ था, राहुल गांधी पर आरोप लगा। राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि आरएसएस में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और महिलाओं को हाफ पैंट नहीं पहनने दी जाती है। इसको लेकर भी राहुल गांधी खूब सुर्खियों में रहे, खूब कटघरे में खड़े हुए, उनसे सवाल पूछे गए, महिलाओं की अपमान की बात सामने आई। तो वहीं जनवरी 2018 की भी बात है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अपमानजनक पोस्टर लगाने को लेकर भी उन पर आरोप लगे और उसके बाद भी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। वहीं 2018 में शशि थरूर को लेकर, हालांकि कांग्रेस के कई नेता हैं जो इस तरह के विवादित बयान देते हैं बीच बीच में और राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को भी कई बार सफाई देनी पड़ती है। शशि थरूर का ही मामला है जो 2018 में शशि थरूर ने कहा था कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत कर आती है तो भारत हिंदू आतंकवाद बन जाएगा, हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा और उसको लेकर भी जमकर हंगामा हुआ था। वहीं 2019 में राफेल विमान सौदे को लेकर भी राहुल गांधी घिर गए थे, क्योंकि राहुल गांधी ने इस पर भी टिप्पणी की थी और पीएम मोदी की संलिप्तता को लेकर भी सवाल उठाए थे। वहीं 2019 की बात है जब झारखंड में चुनावी रैली को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे और भारत को राहुल गांधी ने रेप कैपिटल कह दिया था। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के बयान देते हैं जिसको लेकर वो कटघरे में खड़े होते हैं और इसीलिए गिरिराज सिंह का ये कहना है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, उनकी आदत बन चुकी है देश का अपमान करना। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी क्या इस पर माफी मांगते हैं, क्योंकि बीजेपी ने खुलकर ये कहा है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में कैंपेन चलाया जाएगा, राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार किया जाएगा। तो इस हंगामे की शुरुआत तो राहुल गांधी के बयान से हुई, लेकिन इस हंगामे का स्टॉप कहाँ पर होगा ये देखना होगा।